भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। मेरे सब देशवासियों, भाई बहन, बच्चों, आपने देश में राष्ट्र प्रेम की भावना जो जागृत की, मेरे लिए तो आपके स्तुति के लिए शब्द नहीं है। पहली बार अपने राष्ट्र प्रेम की भावना आप पूरी देश में जगाई, इसके लिए तो कोई किसी के पास शब्द नहीं होगा। और हम पहले से ये कहते हैं कि हिंसा नहीं करना, हिंसा ये बाधक होता है हमारे देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। वो भी व्रत को लेकर आज 9 दिन हो गए आपने देश में कहीं पर भी हिंसा नहीं की। ये तो मैं तो मानता हूं कि क्या कहूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि आपने व्रत को लेकर ये अहिंसा के मार्ग से जो आंदोलन चलाया, ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि पूरी देश में आंदोलन चल रहा है और अहिंसा के मार्ग से चल रहा है। एक पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल खड़ा कर दिया। लेकिन 9 दिन के बाद सरकार का आंकड़े मुखड़ा सामने आ रहा है। कौन सा मुखड़ा? काले अंग्रेजों का मुखड़ा, काले अंग्रेज। हुकुमशाह मुखड़ा, लोकशाही नहीं, हुकुमशाह। हम नहीं करेंगे, क्या करना करो, ये हुकुमशाही का मुखड़ा सरकार का जो सामने आ रहा है, ये लोकशाही के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मेरी विनती है, आप सब ने शुरू से हम कहते आए हैं, सब मानते गए, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम हो गया आपके तरफ से, सबके तरफ से। ऐसी मेरी एक विनती है, अभी ये सरकार हुकुमशाह बनकर मुझे जब उठा रही यहां से, कोई मना मत करो, मत रोको उसको। मैं कल कह रहा था, परसों मैं कह रहा था कि अगर मुझे उठाकर ले जाते हैं तो इधर खड़े हो जाओ सब, परसों। लेकिन अभी सरकार की चाल मेरे ध्यान में आ गई। अगर आपने रोकने का प्रयास किया तो बहुत बड़ी हिंसा हो जाएगी, बहुत बड़ी हिंसा हो जाएगी। और सरकार यही चाहती है कि आपने हिंसा करनी चाहिए। ये आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार यही चाहती कि आपने हिंसा करनी चाहिए। तो हम सब संयम रखना है। भले मैं जेल में जाऊंगा परवाह नहीं। अरे जेल तो हमारी परंपरा है, इस देश की परंपरा है सैकड़ों साल की। जेल में जाना ये भूषण होता है इंसान का, भूषण, ये दूषण नहीं। खून किया, मारामारी की, दरोड़ा डाल दिया तो वो जेल में जाता है, वो दूषण है। अपने देश के लिए, समाज के लिए जो आदमी जेल में जाता वो उसका भूषण है, उसका अलंकार है, वो गहना है, वो उसका गहना होता है। तो मेरी विनती है सब जनता से, अगर सरकार मुझे उठाना चाहती है तो उठाओ, परवाह नहीं। लेकिन पूरे देश में, यहां पर भी, दिल्ली में भी,
कोई हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, मुझे बड़ा दुख होगा हिंसा होने से, हिंसा होने से मुझे बहुत बड़ा दुख होगा, मुझे सहा नहीं जाएगा हिंसा। सिर्फ मेरी एक ही विनंती है, मैं जेल में जाऊंगा, जेल में जाने के बाद आप सब यहां बैठने के बजाय पार्लियामेंट मेंबर के घर को डेरा डालो, और वहां बैठकर आप भी जेल में जाना शुरू कर दो। सब जेल में जाएंगे देश के भलाई के लिए, लेकिन हिंसा नहीं करना। हमारे राष्ट्रीय संपत्ति का कोई भी नुकसान हो, ऐसे वर्तन नहीं करना, हम वो हमारी नुकसान है। अगर राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हम करेंगे तो हमारी नुकसान है, वो हमारे जो भाई बहन है उनको तकलीफ होगा, वो हमें तकलीफ है वो। तो हिंसा नहीं करना, पता परवाह नहीं, आज आ गए तो खुशी से मैं जेल में जाऊंगा, और कल से पूरे लोगों ने जेल भरो शुरू करना है, पार्लियामेंट मेंबर को घेराव डालकर, पार्लियामेंट मेंबर को घेराव डालकर चलो हमें जेल में लेकर जाओ, लेकिन हिंसा मत करो। अहिंसा के मार्ग से जेल में जाने की तैयारी रखनी है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.